नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सुंदर सुंदर और हरे भरे पौधों के साथ। और दोस्तों, फाइनली हमारे यहाँ पर बारिश हो गई है और बारिश भी इतनी हुई है कि हम 3-4 दिन से लगातार हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं पौधे कितने खुश लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और उमस इतनी थी कि हम पौधों को पानी दे रहे थे, फिर भी उतनी रौनक नहीं थी इन पौधों में। और जैसे ही बारिश हुई, देख सकते हैं दोस्तों और कैसे झूम रहे हैं सारे पौधे। तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। और अभी अभी थोड़ा टाइम पहले ही पानी बंद हुआ है दोस्तों, बारिश। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर जो मिर्च के प्लांट में लगा रखे हैं, किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देखेंगे, छोटी सी पॉलीथीन है मेरे पास, इतनी सी छोटी सी पॉलीथीन में मैंने लगा रखे हैं। और दोस्तों, इसमें मिर्च भी आ रही है। तो अगर पोषण ढंग से होता रहे तो छोटे छोटे प्लांटर में भी हम अपने पौधे लगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सभी जो पॉलीथीन वगैरह है उन्हीं में मेरे मिर्च लगी हुई है। और सभी मिर्च देख सकते हैं हेल्दी है। और जो है भी यहाँ पर हिबिस्कस, इसको मैंने पूरा कट कर दिया था दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन अब जो इसकी ग्रोथ हुई है, कितनी अच्छी हुई ग्रोथ, और बहुत ही जल्द बहुत सारे फूल इसमें खिलने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, कलियाँ बन रही है और ढेरों कलियाँ बन रही है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही। तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो गमलों में पानी भी भर गया है, तो थोड़ा देखना था कि इनको पानी खाली करना था। दोस्तों, कितना ही अच्छा ड्रेनेज बना दे हम, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई से गमलों में पानी ठहर जाता है। तो जैसे ही बारिश बंद हो, आप एक बार अपने गमलों को ज़रूर चेक कर लें। और ये हैं दोस्तों मेरे पास तुलसी जी के जो प्लांट लगे हुए थे, मैंने उनको सबको ठीक कर दिया है। इनके जो ऊपर बीज बन रहे थे, सीड्स बन रहे थे, उनको हटा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, हिबिस्कस है मेरे डबल पेटल वाला पिंक कलर का, तो उसको भी मैंने कट कर दिया है। बहुत ज़्यादा फैल रहा था और बारिश के बाद और ज़्यादा फैलता, इससे अच्छा है कि मैंने ये जो ठीक कर दिया है, कट कर दिया है। अब उसके बाद मिर्च का प्लांट देखिए, और अब देखिए दोस्तों, ये है मेरे वाइट कनेर, कितनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है। मतलब जो इनमें फ्लावर्स इतने आ रहे हैं कि ये पौधा पूरा झुक झुक के जा रहा है। और बहुत ही छोटे से जार में मैंने लगा रखा है दोस्तों, इसको लंबे पॉट की ज़रूरत थी थोड़े बड़े की, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉट नहीं मिलते हैं, तो जो मिलता है उसमें ही मैं लगा देती हूँ। पर फिर भी देख सकते हैं कितनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है और बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये गडलिया, और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मेरे यहाँ पर बोगनविला लगा है, ये देखिए, इसको मैंने पूरा कट कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी इसकी ब्रांचेज नहीं चाहिए थी। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैरीगोल्ड लगा हुआ है और अपने आप ही बीज से ग्रो हो गए हैं, क्योंकि मैं इसके जो बीज हैं यहीं पर डाल देती हूँ ऐसे ही। और ये देखिए दोस्तों, इसमें कितनी कलियाँ आ रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हिबिस्कस है मेरा हाइब्रिड, देख सकते हैं। पूरा मेरा ये इतना बुरी तरह से ख़राब हो गया था, लेकिन अब जाके ये ठीक है और ये फाइनली ठीक हो गया है मेरा प्लांट। और अब ये फ्लावरिंग के लिए तैयार है। और इसमें जो देख सकते हैं कितनी कलियां बनी हुई है। तो दोस्तों, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है और अपने प्लांट को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और मेरे यहाँ पर तो दोस्तों बिल्कुल भी वापस से मुझे प्लांट नहीं मिलेंगे, क्योंकि नर्सरी में इतने अच्छे प्लांट नहीं मिलते हैं। ये डिकोमा जो बंदर पूरा तोड़ के गए थे, तो उसके बाद की ग्रोथ देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, वाइट कनेर है। और ये है जीनिया, देख सकते हैं जीनिया। जीनिया में भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं और बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन मेरे पास यही कलर है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने जो कटिंग लगाई थी, तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ करी लिप्स। तो इसकी जो ये कटिंग आप देखेंगे, ये पूरी यहाँ से काली हुई हो चुकी है, फिर भी इसमें से ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है और नीचे से नए नए पौधे निकल आए हैं। तो अब बारिश हो गई है, तो वैसे भी बहुत अच्छे से ये
चल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इसमें जो कलियाँ बन रही थी, अब फाइनली इसमें जो है मेरे फूल खिलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये है रेनी लिली वाइट, और ये कलियाँ देख रहे हैं दोस्तों कितनी कलियाँ आई हैं। जैसे ही बारिश हुई दोस्तों, मेरे जो है प्लांट सभी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो गई है। 3-4 दिन के बारिश में आप पौधों को देख सकते हैं। और ये दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर ये येलो कलर का भी है और नीचे मेरे पास है पिंक कलर का। और ये देखिए दोस्तों, मेरे जो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे इनको रिपोर्ट भी करना है। तो मैंने गमले तैयार कर लिए हैं, अब बारिश बंद होते ही मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगी। और जो जो गमलों में पानी भर गया है दोस्तों, उनको आपको खाली करना है। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम ड्रेनेज कितना ही अच्छा बना लेते हैं, फिर भी जो है पानी भर जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और ये देखिए दोस्तों, बारिश ज़्यादा हुई, उससे जो पौधे हैं, प्लांट हैं, ये फूल है जो लटक से गए हैं। और ये कितना सुंदर शेड आया है, बहुत ही सुंदर। ये जो है हम साथ साथ में जो है अलग अलग कलर के प्लांट एक साथ लगा देते हैं, तो एक दूसरा कलर आ जाता है। और वही, और ये देखिए दोस्तों कनेर, और ये देखिए, और ये एक्वा मेरे यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे पॉलीथीन में ही आप मेरे प्लांट देख सकते हैं। और कनेर, कनेर को मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ आपको। और ये है मेरे स्पाइडर लिली यहाँ पर लगी हुई, और ये दूसरी लिली है। अब इनमें जब फूल खिलेंगे, जब मुझे पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे गमलों में ये बड़ी बड़ी कलियाँ आ रही है। ये सब बारिश का जो पानी है उसका करिश्मा है। और ये देखिए दोस्तों, और ये चंपा, और नाग चंपा को मैं दिखाती हूँ, बंदर किस तरह से तोड़ के गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये है मधुमालती, और ये सब प्लांट यहाँ पर इतने सारे लगे हुए हैं। ये देखिए, और केलंचो प्लांट कितने अच्छे से। और मैं यहीं से आपको मेरे जो नीचे वाला टेरेस पे जो प्लांट लगे हुए वो दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। और देख सकते हैं, मैंने मेरे जो नीचे गार्डन बना हुआ है उसकी पूरी साफ़ सफाई कर दी है। और उससे क्या हुआ है कि थोड़ा मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से मेरे प्लांट मैनेज हुए हैं। और बहुत सारी, ढेर सारी मैंने कटिंग लगाई हुई है, जो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बारिश में अगर आपने प्लांट नहीं लगाए हैं, तो पूरे साल हम इतने प्लांट नहीं लगा पाते हैं जितना बारिश में लगा पाते हैं। तो फाइनली मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगा ली है, जहाँ भी गई मैं ढेर सारी कटिंग ले लेके आई हूँ। और वापस से बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, तो मैं फटाफट आपको कटिंग दिखा देती हूँ। और ये पिंक कलर का रेनी लिली खिल रहा है, और ये देखिए दोस्तों, बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है, देख सकते हैं कितनी सारी। ये सारी कटिंग ही यहाँ पर लगी हुई है, और इनको जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। ये देखिए कितनी सारी कटिंग मैंने लगाई है, सारे डिस्पोजल भरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है। और बारिश आ गई है दोस्तों वापस से, रिमझिम रिमझिम। उसमें देख सकते हैं आपको, जो सामने बकेट रखी है उसमें जो पानी के छींटे गिर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि बारिश शुरू हो गई है। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेली बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बारिश की। तो धन्यवाद दोस्तों।